हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी ट्विंस के बारे में, ट्विंस और इसके टाइप। ट्विंस को हिंदी में जुड़वा कहा जाता है। क्या होता है ट्विंस? द टू बेबीज बॉर्न एट ए टाइम फॉर ए मदर आर कॉल्ड ट्विंस। बोला जा रहा है एक ही समय में एक मदर से जब दो बेबीज बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उन्हें ट्विंस कहा जाता है। ट्विंस आर ड्यू टू मल्टीपल प्रेगनेंसी। ये ट्विंस जो होते हैं वो मल्टीपल प्रेगनेंसी के कारण होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्विंस। ये ट्विंस जो होता है वो तीन तरह का होता है। पहला होता है आइडेंटिकल ट्विंस, दूसरा होता है फ्रेटर्नल ट्विंस और तीसरा होता है साइमिस ट्विंस। पहला है आइडेंटिकल ट्विंस। ये क्या होता है? आइडेंटिकल ट्विंस आर एक्सट्रीमली सिमिलर इन देयर कैरेक्टर। ये जो आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, इनका जो मतलब जो जुड़वा जो बच्चे होते हैं उनका कैरेक्टर जो होता है, उनका लक्षण, उनका दिखावा, मतलब दिखने में चाहे उनका बिहेवियर में एकदम समान होता है। दे आर डेवलप्ड फ्रॉम ए सिंगल जायगोट। और ये जो होता है एक ही जायगोट से ये विकसित होते हैं। सो दे आर कॉल्ड मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इस वजह से इसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। मोनो मतलब एक और जाइगोट मतलब एक जाइगोट से ही ये दो बच्चे होते हैं, इस वजह से इन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। द आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप फ्रॉम ए सिंगल जाइगोट ड्यूरिंग क्लीवेज द जाइगोट डिवाइड इंटू टू ब्लास्टोमियर। बोले जाए ये जो आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं एक जाइगोट से विकसित होता है। जब क्लीवेज का टाइम होता है, क्लीवेज के दौरान क्या होता है, जाइगोट जो होता है वो दो ब्लास्टोमियर में बदल जाता है। दीज ब्लास्टोमियर सेपरेट एंड ईच ब्लास्टोमियर डेवलप इंटू ए बेबी। ये जो ब्लास्टोमियर जो है ये फिर ये सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, ब्लास्टोमियर में डेवलप हो जाता है और ये एक बेबी को विकसित करता है। हैंस द टू बेबीज आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। इस वजह से बेबीज जो हैं ये मतलब एकदम लगभग मिलते जुलते हैं। समटाइम्स द आइडेंटिकल ट्विंस आर ज्वाइंट टूगेदर प्रोड्यूस साइमिस ट्विंस। कभी कभी साइमिस ट्विंस को भी प्रोड्यूस करता है, मतलब एक तरह से चेहरा बनावट उस तरह से। दे आर ऑफ सेम सेक्स। ये जो होगा मतलब आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होगा, तो अगर अगर मतलब लड़का होगा तो दोनों लड़का होगा, लड़की होगा तो दोनों लड़की होगी, ये होता है। दे हैव द सेम टाइप ऑफ जीन। इनका जीन भी सेम होगा। दे हैव द सेम टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। इनका ब्लड ग्रुप भी एकदम सेम होगा। दे हैव वेरी सिमिलर टेम्परामेंट डिस्पोजिशन एंड मेंटल कैपेसिटीज। इनका सोचने का मतलब करने कोई भी काम करने का इनका बिहेवियर भी क्या होगा, सेम होगा। दे आर जनरली अपोजिट हैंडेड। वन ऑफ द ट्विन इज राइट हैंडेड एंड अदर इज द लेफ्ट हैंडेड। ये क्या होगा, तो अपोजिट होगा, जैसे आपका लेफ्ट हाथ है उसी तरह राइट है, तो सेम इनका भी मतलब ये जो ट्विंस जो होंगे एकदम इसी तरह होगा। This so similar holds of hair on the head but in a reverse order like mirror image। ये जो है इनका हेयर का कलर भी एकदम सेम होगा, लेकिन जैसे आप मिरर में देखते हैं खुद के फेस को जिस तरीके से होता है, ऐसे भी ट्विंस में भी उसी तरह रिवर्स कैरेक्टर दिखाएगा। उसके बाद इस तरीके से आपको फिगर ड्रॉ करना है। फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा। उसके बाद है फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस आर लाइक ऑर्डिनरी ब्रदर एंड सिस्टर बॉर्न इन वन बर्थ। फ्रेटर्नल ट्विंस जो होता है ऑर्डिनरी मतलब होगा तो ब्रदर और सिस्टर, मतलब एक लड़का एक लड़की, उस तरह से चाहे तो सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। द डेवलप फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट जायगोट सो दे आर कॉल्ड डाइजायगोटिक ट्विंस। ये जो होता है ये दो जायगोट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है वो दो जायगोट का फॉर्मेशन होता है और दोनों जायगोट से बेबी होता है, ये हो गया फ्रेटर्नल ट्विंस। दे आर फॉर्म्ड बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ टू एग्स बाय टू स्पर्म। इसमें क्या होगा कि दो एग्स जो है वो दो स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होके ये बनता है। दे मे बी सेम सेक्स और अपोजिट सेक्स। इसमें सेम मतलब दोनों लड़का ही होगा या फिर कोई एक लड़की और कोई एक लड़का, इस तरीके से भी होगा। दे हैव डिफरेंट जीनोटाइप्स सो दे हैव डिसिमिलर कैरेक्टर्स सो दे आर कॉल्ड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। बोला जा रहा है इनमें जो होता है इनका जीनोटाइप जो होता है जीनोटाइप मतलब जो होता है वो अलग होता है और ये क्या होता है इनका कैरेक्टर इनका लक्षण भी मतलब मिलेगा नहीं, सो दे आर कॉल्ड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, इसलिए इसको नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। जनरली ये लेडी प्रोड्यूसेस ओनली वन एग एट अ टाइम बट समटाइम्स टू एग्स आर प्रोड्यूस सिमल्टेनियसली। बोला जा रहा है मतलब लगभग क्या होता है कि लेडीज होते हैं एक ही एग जो होता है वो प्रोड्यूस होता है एक टाइम में, लेकिन कभी कभी टू एग्स भी प्रोड्यूस होते हैं। द टू एग्स आर फर्टिलाइज बाई टू स्पर्म प्रोड्यूसिंग फ्रेटर्नल ट्विंस। और ये जब दो एग्स जो है दो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होती है तो फिर फ्रेटर्नल ट्विंस बनता है।
इफ बोथ द एग्स आर फर्टिलाइज बाय स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोजोम फीमेल बेबीज आर प्रोड्यूस। बोला जा रहा है कि अगर एग्स जो है वो एग्स खाली एक्स क्रोमोजोम स्पर्म से मिले मतलब फर्टिलाइज हो तो फिर दोनों जो होती है वो फीमेल बॉर्न होती है। इफ बोथ द एग्स आर फर्टिलाइज बाय स्पर्म कंटेनिंग वाई क्रोमोजोम मेल बेबीज आर प्रोड्यूस। उसके बाद जो फीमेल जो एग्स जो है अगर वो स्पर्म वाई क्रोमोजोम से मतलब फर्टिलाइज हो तो फिर बेबीज जो होंगे वो मेल होंगे। इफ वन एग्स इज फर्टिलाइज बाय एक्स कैरिंग स्पर्म एंड अनदर बाय वाई कैरिंग स्पर्म बोथ मेल एंड फीमेल बेबीज आर प्रोड्यूस। और उसके बाद वही है कि एग्स जो है एक एग एक्स क्रोमोजोम से मिलेगी, एक एग जो है वो वाई क्रोमोजोम से मिलेगी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों बेबीज प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद इस फिगर को ड्रॉ करना है। उसके बाद है साइमिस ट्विंस। दिस ट्विंस वेयर बॉर्न फॉर द फर्स्ट टाइम इन साइम सेंस दे आर कॉल्ड साइमिस ट्विंस। ये जो ट्विंस जो है इस तरीके का ट्विंस पहली बार साइम उस जगह में हुआ था तो इस वजह से इसे साइमिस ट्विंस नाम दिया गया है। साइमिस ट्विंस आर सिमिलर टू आइडेंटिकल ट्विंस। ये जो साइमिस ट्विंस जो होता है वो आइडेंटिकल ट्विंस की तरह ही होता है। दे डेवलप फ्रॉम ए सिंगल एग, ये एक ही एग से ये विकसित होता है। सो दे आर कॉल्ड मोनोजाइगोटिक ट्विंस, दे आर जॉइंट टुगेदर फिजिकली। बोला ये एक ही एग से होता है इस वजह से इन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। इनमें क्या होता है, इनका फिजिकली मतलब इनका जो बॉडी होगा वो मतलब जुड़ा हुआ होगा, या तो आप हेड रीजन से जुड़ा हुआ होगा या फिर स्टमक रीजन से या फिर लेग रीजन, उस तरीके से ये जुड़ा हुआ होता है। द जायगोट डिवाइड इनटू टू ब्लास्टोमियर, जायगोट जो होता है वो दो ब्लास्टोमियर में बदलता है। द ब्लास्टोमियर आर पार्शियली सेपरेटेड, दिस ब्लास्टोमियर डेवलप इनटू टू बेबीज। ये जो ब्लास्टोमियर जो है ये दो बेबीज में विकसित होता है। दे मे बी अटैच इन द हेड रीजन, ट्रंक रीजन और हिप रीजन। ये जो होगा या तो ये क्या बोलेंगे, ये हेड रीजन से जॉइंट होगा या फिर ट्रंक रीजन से या फिर हिप मतलब पैर के रीजन से ये जॉइंट होगा। दे मे हैव ए डबल हेड एंड ए सिंगल ट्रंक, इनमें क्या होगा दो हेड होगा लेकिन ट्रंक जो होगा वो एक ही होगा। समटाइम्स दे आर डबल इन द ट्रंक रीजन एंड सिंगल इन द हेड रीजन, इस कभी कभी क्या होता है तो ट्रंक रीजन दो हो जाता है और हेड एक ही रह जाता है। ऑन सर्टेन ओकेजन दे आर डबल इन द हेड एंड ए लेग रीजन आर यूनाइटेड ओनली इन स्मॉल एरिया एट द हिप। इसमें क्या होता है दो हेड दो लेग मतलब सब कुछ होगा लेकिन हिप रीजन में ये जॉइंट हो जाएगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डबल मोनिस्टर और एबनॉर्मल ट्विंस, इन्हें डबल मोनिस्टर भी कहा जाता है और एबनॉर्मल ट्विंस भी कहा जाता है। दे सर्वाइव वेरी रेयरली, ये मतलब जिंदा बहुत कमी रह बच पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। द साइमिस ट्विंस आर ऑफ द सेम सेक्स, दे हैव द सेम टाइप ऑफ जीन। इनमें जो होगा मतलब लड़का होगा तो जो दोनों लड़का ही होगा, लड़की होगी तो दोनों लड़की होगी और इनका जीन्स टाइप भी जो होगा वो सेम होगा। उसके बाद इस तरीके से आपको फिगर को ड्रॉ कर देना है।